कि इंडिया स्टिल जो है उनकी समृद्धि मंदाना, उनकी दीप्ति और ये तीन चार नाम जो है वो काफी ऑलरेडी वुमेन्स की टीम के अंदर जो है मैं कहूंगी कि एक नाम रखते हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों को हराया हुआ है, बहुत सारी चीजें की हुई हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ऑन द डे ही पता चलेगा। पे ज्यादा तवज्जो दे रही है, लड़कियों पे कम नहीं। और देखें स्मृति, शफाली, हरमनप्रीत कौर, जमायमा हो गई या उसके बाद रिचा हो गई, तो भाई उन्होंने अपनी प्लेयर्स को बनाया है। चाहे उनके बॉलर्स में रेणुका की बात कर लें, पूजा वस्त्राकर की बात कर लें, दीप्ति शर्मा की बात कर लें, तो उनके पास जैसा टैलेंट मेल में पड़ा हुआ है वैसा ही टैलेंट फीमेल साइड में। अगर वहाँ पे बुमराह है तो यहाँ रेणुका पड़ी हुई है, अगर वहाँ पे रोहित शर्मा है तो यहाँ पे हरमनप्रीत कौर पड़ी हुई है। इंडिया में WPL करवाया जाता है, इंडिया के अंदर टैलेंट हंट होता है, फिर इंडिया जो है वो रनर अप रही है पिछले एशिया कप के अंदर, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया कमबैक करना जानती है और इंडिया कमबैक करेगी। नहीं भाई जान, ये बात नहीं है, उनका पूरा क्रिकेट बोर्ड है, उनकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दो है कि एक इंडिया की मेंस टीम को टॉप पे लेके जाना और एक इंडिया की वुमेन्स टीम को टॉप पे लेके जाना। उनके पूरे क्रिकेट बोर्ड की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि ये कि हमारी तरह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं दानियाल अंदी, बात करेंगे वुमेन्स वर्ल्ड कप की, जहाँ पे न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया का मैच था और न्यूजीलैंड ने 160 रन का टारगेट दिया था, जिसको चेस करते हुए इंडिया की मजबूत बैटिंग लाइनअप जो है थोड़ा लड़खड़ा गई और न्यूजीलैंड की टीम ने बड़ा आसानी ये मैच जीत लिया। बात करेंगे वहां से, इस बारे में क्या कहते चलते वहां। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात की जाए, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का मैच था जिसमें न्यूजीलैंड ने 160 रन का इंडिया को टारगेट दिया था, लेकिन इंडिया वो चेस करने में नाकाम रही है, क्या कहेंगे आप इस पे? मैं ये कहूंगी कि नो डाउट इंडिया आज कम्प्लीटली वन साइडेड हार गया है, बट कभी कभी हारना भी अच्छा होता है मेरे ख्याल में। जहाँ मेंस टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, जहाँ इतनी पीक पर जा रही है, तो कहीं कहीं वो नजर वट्टू भी तो रखना चाहिए ना, तो कोई बात नहीं है, एक दफा हार गया यार, आप इंडिया से हार भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप इंडिया से हार भी जो है वो उसकी भी उम्मीद रख सकते हो। ऐसी भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही वो लोग जी 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 स्ट्रीक ही लगाई रखे हर जगह पे। ऑलरेडी आपको पता है 12 साल की स्ट्रीक चल रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं हार भी इंडिया को जाना चाहिए। कहीं ये तो वजह नहीं है कि मेंस जो है वो सीरीज पे सीरीज जीते जा रहे हैं, ट्रॉफी पे ट्रॉफी जीते जा रहे हैं, मेंस की तरफ बोर्ड की तवज्जो ज्यादा चलेगी और जो वुमेन्स है वो थोड़ी सी पीछे रह गई है, ये तो वजह नहीं है? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें इंडिया में WPL करवाया जाता है, इंडिया के अंदर टैलेंट हंट होता है, फिर इंडिया जो है वो रनर अप रही है पिछले एशिया कप के अंदर, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया कमबैक करना जानती है और इंडिया कमबैक करेगी। जैसे मेंस वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी हो या कुछ भी हो, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच पूरी दुनिया देखती है, बहुत हाइप क्रिएट की जाती है। 8 डेट को पाकिस्तान और इंडियन वुमेन्स का मैच होने जा रहा है, क्या कहती हैं आप कि पाकिस्तान जीतने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पहला मैच जीता हुआ है और इंडिया अपना पहला मैच हार चुकी है, पाकिस्तान का कहीं ना कहीं उन पे प्रेशर होगा? देखिए वेमेन टीम जो है वो हमारी काफी अच्छी है, और मैं ये नहीं कहूंगी, वाकई में खवातीन ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एशिया कप में भी बड़े अच्छे परफॉर्मेंस के साथ वो रही है, लेकिन ये है कि इंडिया स्टिल जो है उनकी समृद्धि मंदाना, उनकी दीप्ति और ये तीन चार नाम जो है वो काफी ऑलरेडी वेमेन्स की टीम के अंदर जो है मैं कहूंगी कि एक नाम रखते हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों को हराया हुआ है, बहुत सारी चीजें की हुई हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ऑन द डे ही पता चलेगा। नहीं, आपको लगता है कि ये जो मुकाबला है वो टफ देखने को मिलेगा? हाँ, जैसे मेंस के वर्ल्ड कप में देखने को मिलता है। नहीं, मेंस के वर्ल्ड कप में तो कुछ अरसे से वन साइडेड ही चल रहा है, लेकिन हाँ वेमेन में मैं कॉम्पिटिशन एक्सपेक्ट कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात की जाए T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप की, जिसमें न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया का मैच था और जो न्यूजीलैंड ने इंडिया को शिकस्त दे दी, क्या कहेंगे आप इस पे? यार देखिए, नो डाउट मुझे जब मैच स्टार्ट हुआ था मुझे लग रहा था कि यार इंडिया की साइड विन कर जाएगी, न्यूजीलैंड आज 10 कंजक्टिव मैचेस हारी थी और इंडिया की साइड एशिया कप में जैसे परफॉर्म किया, अनबीटेबल फाइनल तक गए, फाइनल अनफॉर्चुनेटली हार गए थे, बट मुझे बेटर की उम्मीद थी, लेकिन आज उस तरह परफॉर्मेंस नहीं देखो ही। देखिए स्मृति ने स्टार्ट अच्छा लिया, 2-3 चौके लगाए, शफाली ने एक ही चौका लगाया, आउट होकर चली गई, उसके बाद ऋचा घोष ने थोड़े से रन किए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार जीत जाएगी इंडिया की साइड, लेकिन यार आज क्या कह सकते हैं कि पासा पलट गया, न्यूजीलैंड बाजी मार गया। अगर देखा जाए तो 160 रन का जो टारगेट था न्यूजीलैंड ने सेट किया था वो इतना बड़ा टारगेट नजर नहीं आ रहा था इंडिया की जैसी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन उसके बाद इंडिया की जो बैटिंग है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई है, क्या लगता है कि कहां पे इंडिया ने थोड़ा नीचे गए जिस वजह से ये रन चेस में मसला उनको पेश आया? यार मुझे लगता है कि इंडिया कंडीशन जो है ना उसको सही तरह से समझ नहीं सका। मैं देख रहा था कि पहली इनिंग में जो स्विंग थी ना, स्विंग की रेशो वो थी 1.2 और सेकंड इनिंग में चली गई थी 2.4 डिग्री पे, तो मतलब बाद में स्विंग ज्यादा मिल रही थी, बाद में बॉलर्स को ज्यादा हेल्प मिली थी विकेट से, जिस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा हार्ड हो गया इंडिया के लिए। और कंडीशन को अडॉप्ट करना, देखिए पहला ही मैच था अभी टूर्नामेंट का, कोई बात नहीं, एक आधा मैच आप
हार जाते हो, लेकिन उसके बाद आपको पता है अभी कितने मैचेस पड़े हुए हैं। तो होप सो इंडिया की टीम ने हमेशा अच्छा कमबैक किया, चाहे वो मेल्स पे चली जाए या फीमेल की साइड पे, तो मुझे लगता है कमबैक कर लेंगे। क्या ये तो वजह नहीं है कि इंडियन जो मेंस की टीम है वो मैचेस पे मैचेस जीते जा रहे हैं, सीरीज पे सीरीज जीते जा रहे हैं, तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी तवज्जो जो है वो वुमेन से कम हो गई है, जिस वजह से वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे? नहीं 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 सर, देखिए मैं ये बात नहीं मानता। आपने एशिया कप तो देखा ही होगा यार, जैसे उसने पाकिस्तान को हराया, जैसे उसने बाकी टीम्स को हराया, फाइनल तक चले गए अनबीटेबल, एक बड़ी जबरदस्त टीक लगाई। अभी वामा मैचेस दोनों इंडिया जीता है, वामा मैचेस में आप देख ले वहां पे भी तो वही सेम टीम थी ना, लेकिन कोई बात नहीं, हार्ड लक हो जाता है समटाइम्स। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया की मैनेजमेंट जो है वो लड़कों पे ज्यादा तवज्जो दे रही है, लड़कियों पे कम नहीं। और देखें स्मृति, शफाली, हरमनप्रीत कौर, जमायमा हो गई या उसके बाद रिचा हो गई, तो भाई उन्होंने अपनी प्लेयर्स को बनाया है, चाहे उनके बॉलर्स में रेणुका की बात कर लें, पूजा वस्त्राकर की बात कर लें, दीप्ति शर्मा की बात कर लें, तो उनके पास जैसा टैलेंट मेल में पड़ा हुआ है वैसा ही टैलेंट फीमेल साइड में। अगर वहां पे बुमराह है तो यहाँ रेणुका पड़ी हुई है, अगर वहां पे रोहित शर्मा है तो यहाँ पे हरमनप्रीत कौर पड़ी हुई है। तो यार मुझे नहीं, मैं नहीं, इधर जसवाल है, साथ साथ स्मृति है। नहीं, स्मृति विराट के बराबर है, जसवाल के बराबर हम कह सकते हैं कि शफाली वर्मा, क्योंकि जसवाल भी डिवास्टेटिंग थोड़ा सा तेज खेलता है और शफाली वर्मा भी तेज हमेशा खेलती है। स्मृति है विराट के बराबर जो इनको बिल्ड करके इनको लंबा लेके चलती है। तो ये मसला नहीं है कि तवज्जो का मसला है, बस कंडीशन का मसला बना है। मुझे लगता है कि इंडिया की जो प्लेयर्स है ना वो विकेट को समझ नहीं सकी, और टॉस जीत के जो भी टीम जीतती है वो बैटिंग पहले करती है, तो मेरे ख्याल शारजा की कंडीशन में वो विन करेगी। जैसे कि पाकिस्तान वर्सेज इंडिया के मेंस का मुकाबला होता है किसी भी टूर्नामेंट में, तो बड़ा ज्यादा हाइप क्रिएट की जाती है। 8 डेट को इंडिया वर्सेज पाकिस्तान वुमेन्स का मुकाबला होने जा रहा है, क्या लगता है कि पाकिस्तान तो पहला मैच जीता हुआ है, इंडिया पहला मैच हार चुकी है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का प्रेशर इंडिया पे होगा? यार अगर आईसीसी इवेंट्स में देखें तो इंडिया का प्रेशर हम पे है, हमारा तो इंडिया पे नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे इस दफा को वाइब आ रही है कि मैच तगड़ा होगा। एशिया कप में भी इंडिया पाकिस्तान का मैच को हल्का मैच नहीं हुआ था, काफी नेल बाइटिंग मैच हुआ था, लास्ट ओवर तक गेम गई थी। तो इस दफा भी मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि भाई लास्ट ओवर तक गेम जरूर जाएगी। और पाकिस्तान की टीम फातिमा सना यार, कल उसने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, 2 आउट किए, 7 30 रन किए, और यार इंडिया की साइड स्ट्रॉन्ग साइड है, कमबैक करना जानती है, अक्सर हारे हैं, कमबैक करना जानती है। हाँ ये साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट होगा कि पाकिस्तान पहला विन किया है, इंडिया ने पहला लूज किया, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी इंडिया की साइड थोड़ी सी अपर पोजीशन में है, 60-40। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बात की जाए T20 वर्ल्ड कप की वुमेन्स, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया है, क्या कहेंगे आप? 160 रन का टारगेट था, इंडिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी, वो चेज करने में नाकाम रही, क्या कहेंगे? यार मैं ना जैसे इनका मैच स्टार्ट हुआ था, मैं ना इनको देखने लग गया था लाइव, क्योंकि मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो मैं इनको ना स्टार्ट से ही फॉलो करने कर रहा था, बार बार स्क्रॉल कर रहा था, इनका स्कोर देख रहा था। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि इंडिया की टीम इजीली ये मैच जीत जाएगी, लेकिन वुमेन में उन्होंने थोड़ा स्कोर ज्यादा कर दिया था, तो और इनकी स्टार्ट से विकेटें गिर गई, इसी वजह से इंडिया की टीम हार गई है। ये नहीं कहीं ये तो वजह नहीं है कि इंडियन जो मेंस की टीम है वो कंटिन्यूसली जीती आ रही है, जो जो ट्रॉफी उठा के देख ले, जो सीरीज उठा के देख ले, जो मैच उठा के देख ले, उनको जीतने की एक आदत पड़ गई थी मेंस की तरफ, कहीं वुमेन से थोड़ी तवज्जो कम तो नहीं होगी? नहीं 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 भाई जान, ये बात नहीं है, उनका पूरा क्रिकेट बोर्ड है, उनकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दो है कि एक इंडिया के मेंस टीम को टॉप पे लेके जाना और एक इंडिया की वुमेन्स टीम को टॉप पे लेके जाना, उनके पूरे क्रिकेट बोर्ड की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि ये कि हमारी तरह सियासत भी करनी है, सब कुछ करना है, उनकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिकेट को टॉप पे लेके जाना। तो उनकी कुछ ऐसी प्लेयर्स हैं जैसे स्मृति हो गई, पूजा हो गई, रिचा हो गई, ये सारी जिस तरह उनके विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये टॉप के प्लेयर हैं, इसी तरह ये उनकी वुमेन भी हैं, कुछ टॉप की प्लेयर हैं। कोई बात नहीं, टूर्नामेंट का स्टार्ट था, पाकिस्तान एक मैच जीत गया और ये अपना पहला मैच हार गई है, तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान पहला मैच जीत गया, ये पहला मैच हार गई, 8 डेट को इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहला मैच जीता और इंडिया हारी हुई है, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत जो है वो प्रेशर क्रिएट करना पड़ जाएगा? देखें पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है वहां समझे एक अजीब जंग जमा कशिश का होती है, तो चाहे कोई भी फील्ड हो, भी फील्ड हो, कबड्डी देख लें, फुटबॉल तो वैसे पाकिस्तान में, क्रिकेट देख लें, तो जिस जगह पे भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है जनाब, उस जगह आपकी फीलिंग्स फुल हाई ग्रेड 100 पे पहुंची होंगी। और लेकिन ये बात मैं ऐड करता जाऊं कि इंडिया का प्रेशर पाकिस्तान पे होगा, क्योंकि पाकिस्तान पहला मैच जीता हुआ फिर भी प्रेशर पाकिस्तान पे होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि इंडिया में आईसीसी इवेंट्स में आगे इंडिया के रिकॉर्ड अच्छे हैं, उनकी ट्रॉफी, हाँ उनकी ट्रॉफी भी हमसे ज्यादा है, हम उनसे हारे हुए हैं, मेंस हारे हुए हैं, तो वो मेंस की बात कहाँ पीछे रह गई।